हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे एफओस इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 6। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से कोई बच्चा अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड की जाती हैं। टेलीग्राम पे सर्च करना @FitDStudy। अगर आप में तो कोई बच्चा है जो वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है तो वाई ग्रुप के लिए भी बैच है हमारे FitDStudy ऐप के ऊपर। और अगर कोई एच ग्रुप की सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहता है या फिर वाई ग्रुप की सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहता है तो वो भी आपको अलग से ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच के बारे में बताता हूँ जो कि अभी डिस्काउंटेड ऑफर में चल रहा है। इसकी प्राइस वैसे 616 रुपये है, बट अभी ऑफर में 513 रुपये में आपको मिल जाएंगे। ओके, और स्पेस वॉरियर बैच जो है ना, यहाँ पे आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, प्रैक्टिस की जो हमारी टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ आती है वो भी इस बैच के अंदर इंक्लूडेड है। अलग से कुछ भी नहीं खरीदा, नॉट अ सिंगल बुक। ठीक है, आपको कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम लोग सफिशियंट क्वेश्चन दे देंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, वीडियो क्लासेस के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, वाई ग्रुप के अंदर इंग्लिश आती है, रागा के अंदर रीजनिंग मैथ जीके आता है, वो सभी चीज़ें। ठीक है, और इतना पढ़ के अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपका एग्जाम क्रैक होना 100% फिक्स है, अगर आप अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेते हो तो। अब बैच लेके पढ़ोगे नहीं तो फिर वो बात ही अलग है। और इसमें आपको जब पढ़ना है, आधी रात को पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है या फिर दोपहर में पढ़ना है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ पाओगे। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि इतने बजे ही हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़ोगे, आपको जब मन तब पढ़ सकते हो, ये सबसे खूबी है। और एक क्लास को जितनी बार मन उतनी बार देख सकते हो, इसलिए अभी डाउनलोड करो FitDStudy ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। और बैच परचेज करने में या फिर बैच परचेज करने के बाद क्लासेस सर्च करने में अगर कुछ भी ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, ऐप यूज करने नहीं आ रहा, व्हाट्सअप करके मैसेज करके हमारे टीम मेंबर से पूछ सकते हो, बता देंगे 7279047487। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखो इसके अंदर एरर का क्वेश्चन है, कॉमन एरर फाइंड आउट करो। ठीक है, कह रहा है रानी वाज स्ट्रीम अपसेट, ठीक है, विथ द रिजल्ट रिजल्ट्स दिस ईयर। अब इसके अंदर कहां पे एरर है, देखो एरर बताओ यहां पे क्या है, कहां पे है। ठीक है, रानी जो थी क्या थी, वो बहुत ज्यादा अपसेट थी अपने रिजल्ट को लेके। अब इसके अंदर एरर देखो, एक मैं आपको बताता हूँ ये एक्सट्रीम क्या है। अब बोलोगे सर हमको तो पता ही नहीं, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा क्या है भाई, एडजेक्टिव। और एक्सट्रीम के बाद कौन सा वर्ड है भाई, अपसेट। तो अपसेट क्या है हमारे, देखो ये एक्सट्रीम जो है ना, ध्यान से सुनना, क्या है, एडजेक्टिव है जो कि नाउन के लिए आता है, जो कि प्रोनाउन के लिए आता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एक वर्ब। वर्ब क्या चीज है भाई यहाँ पे, अपसेट। ठीक है, अपसेट। अब ये वर्ब के लिए क्या आता है या फिर एडजेक्टिव के लिए क्या आता है, तो देखो वर्ब के लिए या फिर एडजेक्टिव के लिए आता है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे अपसेट के लिए हमने लेके आ गए हैं, हम लेके आ गए एक्सट्रीम जो कि एडजेक्टिव है। तो ध्यान सुनना, कोई भी एडजेक्टिव वर्ब के लिए आता ही नहीं है तो फिर हम एक्सट्रीम कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे होना चाहिए इसका एडवर्ब। तो एक्सट्रीम का एडवर्ब क्या होता है, एक्सट्रीमली। ठीक है, एक्सट्रीमली जो कि एक प्रकार का एडवर्ब है। तो हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस में ऐसा कुछ वर्ड कैसे समझ में आएगा कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। भाई देखो, पहली बात तो ये एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब किसी चीज की खासियत विशेषता बता रहा है तो अपसेट की, तो अपसेट है कितना। ठीक है, कितना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे ना, कैसा कितना। ठीक है, तो उससे समझ में आ रहा है उस चीज के बारे में हम विशेषता बता रहे हैं कि वो क्या है कैसा है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं एक्सट्रीम है, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को एडजेक्टिव यूज ही नहीं करना है वर्ब के लिए, तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, तो वर्ब की विशेषता एक एडवर्ब बनाता है, बताता है। और एडजेक्टिव किसकी बना बताता है, तो ये एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन की बताता है। तो ये अपसेट तो नाउन नहीं है क्योंकि अपसेट तो एक वर्ब है, तो अपसेट क्या कहते हैं इसको, अपसेट के लिए एक्सट्रीम के ना जगह पे एक्सट्रीमली आएगा, बिकॉज एक एडवर्ब जो है ना, एक वर्ब की भी विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, तो और एडवर्ब अपना भी विशेषता एडवर्ब का भी बताता है, आप भी जाके पढ़ोगे। बट अभी फिलहाल समझना चाहिए एक्सट्रीम के साथ, एक्सट्रीम के साथ क्या होना चाहिए आपका, एक्सट्रीमली होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल भी सही जो है ना यूज हो गया। तो ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक्सट्रीमली की स्पेलिंग को थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, बहुत लोग स्पेलिंग सोच रहे हो क्या घसेट दिया इसके इसने इसके अंदर। ठीक है, एक्सट्रीमली को ऐसे लिखते हैं हम लोग, लास्ट में एलवाई लगाते हैं, जनरली वो एडवर्ब के अंदर ही आता है, याद रखना चाहिए एलवाई किसके अंदर आता है, एडवर्ब के अंदर आता है। ओके, चलो इसका ही मतलब वही हुआ कि बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम को या फिर एक्सट्रीमली कहो, बहुत ज्यादा, लेकिन दोनों का यूज में फर्क कहाँ आया, एक्सट्रीमली डेट इज एडवर्ब जो कि आएगा किसी वर्ब के पहले,
ठीक है, एडवर्ब जो है वर्ब के पहले, और एक्सट्रीम का ही मतलब वही हुआ जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले। ओके चलो, इतना मैंने खरोच दिया कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक, कुछ बाकी नहीं होगा। चलो, एंटोनिम ऑफ डिफंक्ट, डिफंक्ट का आपसे पूछा गया, उल्टा बता दो क्या होता है डिफंक्ट का, मतलब क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। डिफंक्ट का मतलब होता है जो चीज ना अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो अस्तित्व में है ही नहीं। ठीक है, अस्तित्व में ना हो। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि अस्तित्व में है तो एग्जिस्ट करता है, वो चीज बता दे रहा है, बताओ। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, जो अस्तित्व में है। ठीक है, अस्तित्व में जो है अभी प्रेजेंट में, लाइक मैं हूं, ठीक है, तो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं अर्थ पे, गांधी जी नहीं है, ऐसे समझ में आ गया। चलो थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड यहां पे देखो, ये जो डबल इनवर्टेड कॉमा है ना, इनको मैं पहले ठीक करता हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बेहतर समझ में आएगी। कह रहा है कि जो अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन, ठीक है, तो इसके जगह पे बताओ कुछ एरर है, ये हमारा यूज ही गलत है। अंडरलाइन का जो सेंटेंस है ये गलत तरीके से यूज कर रखा गया इस सेंटेंस के अंदर, इसको हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं। इसके जगह पे ए बी सी डी में से कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे ताकि पूरा कंप्लीट सेंटेंस सही हो जाए। सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द विलेज सोनी, ठीक है, इज लोकेटेड 113 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ एमपी, भोपाल, मध्य प्रदेश के, जो भोपाल के क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, ठीक है, उस सिटी से 113 किलोमीटर जो है ना वो दूर है सियोनी नाम का एक गांव। ओके चलो, क्या है, दूर है, जब दूर है तो दूर के जगह पे क्या आएगा इसके अंदर, सोच लो। एडजेसेंट का मतलब होता है काफी करीब, सटा हुआ। फार का मतलब होता है दूर होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम नहीं होता है, फार फ्रॉम होता है। ठीक है चलो, नियर का मतलब नजदीक होता है, अप्रोक्सीमेट का भी मतलब वही पढ़े हो ना, ये अप्रोक्सीमेट इतना है, उसके तरीके से इसको यूज करते हैं। तो दूर के अर्थ में हमारा ऑप्शन बी है, काफी इजी करके मैंने दिया था कि आप इसका आंसर कर लोगे, अदरवाइज मैं ऐसे और भी वर्ड्स यूज कर लेता जिसका मतलब दूर होता है, बट मैं इसका चस्का लगा रहा हूँ आपको अभी, कि ऐसा सवाल बनाने के, ऐसा डालो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक बार आपको चस्का लग जाएगा, ऐसे सवाल से परिचित हो जाओगे, फ्रेंडली हो जाओगे, तो आप डिफिकल्ट सवाल भी कर लोगे, बट पहले स्टार्टिंग में सीखो। एमिएबल का सिनोनिम क्या हो जाता है भाई, एमिएबल का मतलब क्या होता है, ये चीज पता होना चाहिए, दोस्ताना, ठीक है। ओके, इतनी गंदी हैंडराइटिंग अभी भी दुनिया में किसी की हो सकती है, तो वो आखिरी इंसान मैं हो सकता हूँ, दोस्ताना, ठीक है, एमिएबल का सिनोनिम। तो बाकी देख लो वर्ड में से क्या है, फ्रेंडली, ऑप्शन डी है, इसमें तो कुछ सोचने वाली चीज नहीं है। आगे बढ़ते, इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दो, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, ठीक है, बिना पहले से विचार किए या फिर तैयारी किए। ओके, अगर आप भाषण दे रहे हो या फिर कुछ बोल रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, देखो मैं आपको ना दो चीजें समझाता हूँ, बहुत लोग ना मेडन स्पीच और एक्सटेम्पर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मेडन का मतलब होता है कि आप पहले बार, ठीक है, और एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी का, बिना तैयारी का, ठीक है, एक्सटेम्पर आप याद रखो। सिक्स नंबर कह रहा है, वन वर्ड अगेन, अ प्लेस वर क्वाइंस आर मेड, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, मिंट कहा जाता है, पता होना चाहिए, जिसको टकसाल कहा जाता है हिंदी के अंदर, टकसाल। आगे है एंटोनिम ऑफ वैग, तो ये मैंने पढ़ाया था, बट वैग का एंटोनिम मैंने कुछ और पढ़ा दिया था, मैंने पढ़ाया था आपको, सही पढ़ाया था, गलत नहीं पढ़ाया था, बट अब थोड़ा मैंने ऑप्शन में लग दिया। मैंने ट्रांसपेरेंट का पूछा था तो आपने वैक कहा था पिछले मॉक टेस्ट में, अब मैं आपको ना वैक का पूछ रहा हूँ, अब दूसरा बताओ, वैक का मतलब मैंने बताया था आपको, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, अपारदर्शी, जिसमें से एक पार से उस पार दिखाई ना दे या फिर कुछ भी क्लियर ना हो, ठीक है, और एलिगेंट, रिगल, डेफिनेट, ड्वार्फ, इनमें से बता दो आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो निश्चित है, ठीक है, तो ये हमारा लग रहा है ना कि इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको डेफिनेट नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं आपको स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन एक इंसान जो है ना बिल्कुल भी वो डेफिनेटली वो सोच चुका है कि मेरे को क्या करना है, तो उसको जो है ना उसका विजन जो है क्लियर है और आपका नहीं है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके आंसर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शंस का हिंदी याद रहेगा तो ही,
हमको ऊपर से क्या मतलब है, ठीक है। वैसे तो इलेगेंट का भी आजकल यूट्यूब पे इतना फेमस हो गया है, सो इलेगेंट सो ब्यूटीफुल, तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और ड्वार्फ का मतलब आपको पता ही है कि बौना होता है। और वैसे एलिगेंट का मैं हिंदी बता देता हूँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोल दिया इसने, सो ब्यूटीफुल सी लाइक सो एलिगेंट। तो जैसे आकर्षक होता है, तो नहीं, एक लड़की आपको देखा होगा आपने, वो रील्स बनाई थी उसने, सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, उसमें बोला था ना सो एलिगेंट, ठीक है। तो उसका मतलब होता है आकर्षक। रिगल का भी मतलब होता है शानदार। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, ठीक है। वैसे इन सारे ऑप्शन पे मेरे को उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और अभी एक दिन में मैं सारे ऑप्शन का हिंदी कराऊँ तो आपसे याद भी नहीं होगा। तो जो चीजें याद करने लायक है मैं पहले वही कराता हूँ। तो वैग का ना एंटोनिम डेफिनेट भी होता है, बिकॉज वैग का मतलब होता है जो चीजें सर्टेन नहीं है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो जो चीजें क्लियर है, डेफिनेट है, मतलब फिक्स्ड है, तो डेफिनेट हो गया, एंटोनिम हो गया उसका। आगे बोल देखते हैं, वर्स्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका एंटोनिम बताओ वर्स्ट ऑफ एनर्जी का। तो पहली बात तो ये देखो, वर्स्ट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ना, मान लो कोई काम कर रहे हो, आप ध्यान सुनना, कोई काम कर रहे हो और आप करते करते थक गए, ठीक है, करते करते थक जाओगे और आप बैठ जाओगे, थक के बैठ गए और आपको याद आया अचानक से, अरे भाई अगर आज आज काम खत्म नहीं हुआ ना तो हमारे इतने पैसे फंसे हुए हैं, आज काम करके मेरे को पैसे निकालने हैं। पैसे का नाम सुनते आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा, दोबारा से बहुत ज्यादा जोश से भर जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जोश से भर जाना, ठीक है, बर्स्ट ऑफ एनर्जी। तो उसको कहते हैं हम लोग सेकेंड भाई, और जोश से भर के फिर से काम में लग जाते हो, आज तो इस काम को खत्म ही कर देंगे हम, पैसा लेना है, ठीक है, उसी को कहते हैं सेकेंड वाइंड या फिर बर्स्ट ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाइंड का मतलब भाई है कि दोबारा से एकदम जोश से भर जाना, दोबारा से उत्साहित हो जाना किसी चीज को करने के लिए, करेज ले आना अपने अंदर। आगे बढ़ते हैं, ब्रेव का देखो, लोग करेज का नाम लिया, ब्रेव सामने आ गया, गजब। ब्रेव का एंटोनिम बताओ, ब्रेव का मतलब होता है ना साहसी, तो साहसी का उल्टा क्या होता है, डरपोक, ओके। ब्रेव का मतलब होता है साहसी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एंटोनी पूछा था, सिनोनी पूछता तो करेजियस कर सकते थे। कॉर्डियल का मतलब होता है लाइक कोई फ्रेंडली है, सामंजस्य बैठा के चल रहा है, हाँ मेल मिलाप करके। एलिगेंट का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, आकर्षक। बी होल्ड, ठीक है, बी होल्ड का आपसे इस बार ना सिनोनिम पूछा गया, बी होल्ड का सिनोनिम बता दो क्या होता है। अब बी होल्ड में ना आपको लग रहा होगा कुछ चीजों को ना होल्ड करके रखने की जिक्र की इशारी होगी, तो हम चलो ना इसके अंदर बर्डन आंसर कर देते हैं। बहुत सारे लोग ना ऐसा कर रहे होंगे कि बर्डन आंसर कर देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बर्डन आंसर नहीं होगा, बिकॉज बी होल्ड का मतलब कुछ होल्ड करके या फिर पकड़ के रखने से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब होता है ना देखना, देखना या फिर ध्यान से देखना, जो भी कह सकते हो आप, देखना। बी होल्ड का मतलब क्या होता है, देखना, अजीब लगे ना सुन के, लेकिन होता है। लुक, लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। बर्डन का मतलब होता है बोझ, फॉर्चुनेट का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना भाग्य, उस टाइप का। प्रिडिक्ट का मतलब होता है प्रिडिक्ट करो कुछ, अनुमान लगाओ कुछ, लाइक उस टाइप से। 11 नंबर देखो क्या रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एरर बताओ, नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव देन द प्रोसीडिंग्स कमेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नो, देखो नो सूनर से जब हम पढ़ते हैं ना तो पहला दिमाग में आता है ना सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, नो सूनर के साथ ना ध्यान लगता है। क्या इस सवाल में ध्यान लगा है, मैंने कहा हाँ, तो आप कहोगे गांव वालों दूसरा एरर खोजते हैं, ठीक है। अब दूसरा एरर क्या कहोगे सर, देखो नो सुनर से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं, या तो ये डिड से स्टार्ट होते हैं नो सुनर के बाद, या फिर वो हैड से स्टार्ट होते हैं नो सुनर के बाद। क्या डिड लगा है या हैड लगा है, तो मैं बोल रहा हूँ डिड लगा है, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं नो सुनर या डिड के बाद ना एक सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट लगा है क्या हमारा, द चेयरमैन। लेकिन एक चीज पढ़ा होगा आपने कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो क्या इस रूल का भी पालन किया जा रहा है इस सवाल के अंदर। तो भाई ये अराइव्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अराइव का भीतरी है, क्या डिड के साथ अराइव का आना लाजमी है, ये तो छल हो गया हमारे साथ। तो डिड के साथ अराइव अराइव्ड आ सकता है कभी भी जिंदगी में, नहीं। तो यहाँ पे हमारा एरर है, यहाँ पे हमारा अराइव होना चाहिए था ना कि अराइव्ड, ठीक है। डिड के साथ हमारा ये चीज सही है, डिड के साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी गलत है, जिंदगी का सत्यानाश कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम, 12th नंबर देखो, अपन योर हार्ट, ठीक है, मतलब हार्ट खोल देना, मतलब यानी कि हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखा देना, हमारे अंदर राम और जानकी बसते हैं, ठीक है, वो चीज नहीं। अपन योर हार्ट का मतलब होता है ना कि आपके दिल में जो चीज है, फीलिंग्स है, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, किसी के साथ शेयर कर रहे हो,
ठीक है, मन में दिल में छुपा के जो रखे, वैसे दिल में कोई छुपता तो है नहीं सिवाय खून के, वैसे फिर भी लोग कहते हैं कि दिल में बोझ है, किस चीज का बोझ है, खून का बोझ है, अच्छे से देखो ठीक है। तो वो चीज को शेयर करने के बारे में की जा रही है, तो शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग, ठीक है, जो आपको बहुत ही गहरा अनुभव है या फिर फील कर रहे हो कोई चीज अच्छा बुरा, उसको शेयर करना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आप एरर बताओ, एरर नहीं बताओ, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ कौन सा है। देखो, क्लिक, कैरिएचर, कंबर्सम एंड कुमुलेटिव नहीं होता है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, इसका सही स्पेलिंग होता है कुमुलेटिव, नहीं कुमुलेटिव, ठीक है, कुमुलेटिव एम के बाद यू होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। ओके, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी में एरर था। 14 नंबर देखो, क्रेडिट, तो क्रेडिट का एंटोनिम पूछा है, तो ये चीज तो हर कोई आंसर सही कर लेगा मेरे हिसाब से। क्यों भाई मेरे हिसाब से क्यों? क्योंकि क्रेडिट डेबिट का खेल आप खेलते रहते हो। अगर आप आजकल यूपीआई यूज करते हो, अगर आपके अकाउंट में किसी ने पैसा डाला, तो कहते हैं ना, मान लो मैं आपको 100 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ, वैसे मैं करूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आपके मैसेज में क्या आएगा, 100 रुपीज क्रेडिटेड वगैरह वगैरह, मतलब ऐसा करके आएगा जिसके द्वारा किया गया। अगर आप मेरे पास करोगे तो आपको क्या मैसेज आएगा, 100 रुपीज डेबिटेड। अगर आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो डेबिटेड, ठीक है, डेबिट, अगर आ रहा है तो क्रेडिट, ठीक है, जमा हो रहा है निकल रहा है, ऑप्शन सी इसका एरर है, सही एंटोनिम है। 15 नंबर में कह रहा है, एरर बताओ, यू लुक सो यंग, व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आस्क्ड रेखा टू हर नेवर, ठीक है, रेखा ने अपने नेवर से पूछा कि तुमने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बहुत अच्छा। लेकिन गाइस यहाँ पे डिड से रिलेटेड फिर एक पंगा है, डिड के साथ भीवन होता है, तो यहाँ पे डिड के साथ डिड यू कंप्लीट होना चाहिए ना भाई, ठीक है, ये हमारा सही है, डिड यू कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीटेड है तो ये एरर है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर में कह रहा है, नीम टेस्ट टेस्ट अ लिटिल बिट अर्ली बट इज वेरी यूजफुल। देखो गाइस यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, एडवर्ब को पकड़ो, क्या एरर है उसके अंदर। देखो 10th वाले चैप्टर मैंने कुछ आपको स्पेशल वर्ड्स लिखवाए थे, लाइक लुक, सीम, टेस्ट, स्मेल वगैरह वगैरह, जो चीजें आप अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रतीत कर, वो मतलब आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, फील भी वर्ड हो गया, उनके साथ टेस्ट भी आ गया इसके अंदर, एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है। टेस्ट के साथ क्या आएगा, एडजेक्टिव का यूज होता है, याद रखना, तो बिटरली की जगह बिटर होगा, कड़वा। ओके चलो, इसमें एरर है। फिर आगे बढ़ते हम, वी आर गिविंग हिम अ सरप्राइज पार्टी डैश ही इज बर्थडे। देखो गाइज यहाँ पे ना बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, कि हम सरप्राइज के साथ तो जनरली एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं, अमेज्ड के साथ एट यूज करते हैं, ये सभी चीज के साथ, तो यहाँ पे किस चीज के लिए आप प्रीपोजिशन फिल कर रहे हो, आप ध्यान से सोचना, किस चीज के लिए, ध्यान सुनो, पार्टी के लिए, वी आर गिविंग हिम अ सरप्राइज पार्टी डैश इज बर्थडे। अब उसको सरप्राइज नहीं दे रहे हो आप, सरप्राइज पार्टी दे रहे हो किस चीज पर, उसके बर्थडे पर, बर्थडे नहीं बर्थडे पर, तो यहाँ पे ऑन इज बर्थडे होगा ना, तो ये चीज समझना, किसी चीज के उपलक्ष्य में तो ऑन का यूज करोगे। दे लीव डैश अटलांटिक एवेन्यू, अब इसमें क्या होगा भाई, अटलांटिक, अटलांटिक एवेन्यू पे वो क्या करते हैं, जीते हैं। अवेन्यू का मतलब क्या हो गया, लाइक सड़क के, मतलब सड़क पे ही कह सकते हो आप, ठीक है, और तो कुछ इसको नहीं कह सकते आपको, सिंपल सी परिभाषा में, ठीक है, तो सड़क पर वो रहते हैं, ठीक है, तो सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए इनका यूज तो करोगे नहीं, तो वहां पे ऑन का यूज होगा, अटलांटिक की जो सड़क है उस पर रहने वाले लोगों के लिए। आगे देखो, पैसिव या फिर एक्टिव बताओ, ये किस चीज में, आई वुड एडवाइस यू, तो ठीक है ये एक्टिव में है, ओके, इसको पैसिव में बनाओगे तो कोई भी मॉडल बाबू उनके साथ बी लगता है, और एडवाइस को V3 में कन्वर्ट कर दोगे आप, तो उड बी एडवाइज्ड ऐसा कहाँ पे है, देखो उड बी एडवाइज्ड यहाँ पे है, उड बी एडवाइज्ड यहाँ पे है, अब ध्यान देना है इट होगा कि यू होगा। सवाल पढ़ो, ये क्या कह रहा है, आई वुड एडवाइस यू, ठीक है मैं आपको एडवाइस देता हूँ या फिर दूंगा या फिर मैंने दिया, आई वुड एडवाइस यू मैंने दिया, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस एक चीज समझना, यू हमारा जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारा यू सब्जेक्ट बनेगा, और आई मेरा जब सब्जेक्ट है तो वो मी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यू वाला ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, सिंपल फंडा। अब 20 नंबर सवाल देखो, 20 नंबर कह रहा है, चूज का आपसे क्या पूछ रहा है, नाउन फॉर्म, तो चूज का नाउन फॉर्म क्या होता है, च्वाइस, क्या च्वाइस है आपकी, ए आंसर करना, यही च्वाइस है।
बाकी चलो मॉक में कितने स्कोर किया आपने बताओ। और हाँ, बताने से पहले एक चीज मैं आपको मैं बता दूं, स्पेस वॉरियर बैच आपका वेट कर रहा है, फटाक से ज्वाइन करो और कम टाइम के अंदर बढ़िया प्रिपरेशन करके एग्जाम को फोड़ दो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल स्टडी आपका डाउनलोड करो फटाक से, अगर कुछ भी समझ में आए तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करके पूछ लो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, वीडियो खड़ा करके शेयर कर देना।